हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, गुड मॉर्निंग। आप सब सही होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और बेबी पिशा फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि आप गाना सुनाइए, गाना सुनाइए, गाना सुनाइए। तो मैं आपसे कहती हूँ कि मैं एक वीडियो गाने की एक अलग बनाया करूँगी। उसने जिसे गाना सुनना है वो उस वीडियो को देखिए और खुश हो जाइए, जिन्हें अच्छा लगता है। और देखिए, कंट्रोवर्सी तो होती है, कंट्रोवर्सी तो हर जगह होती है। आप परिवार में रहते हैं, अगर जॉइंट फैमिली रहती है, वहाँ भी कंट्रोवर्सी होती है। आप जॉब करते हैं, वहाँ भी कंट्रोवर्सी होती है। तो देखिए, कंट्रोवर्सी तो हर जगह होती है, कंट्रोवर्सी से डरना नहीं चाहिए। एक नया चेहरा आया है, पता नहीं कौन है। औरतों को टार्चर, अरे औरत की इज्जत करिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो कोई है, इससे कोई मतलब नहीं है। औरत की इज्जत करिए। अगर औरत को गाली दे रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि अरे उम्र हो गई है, एक बुढ़ी आती है, जो आती है, अरे चाहे बुढ़ी आती है, मेरे बच्चे बड़े हो गए, शादी कर दी बच्चों की, मैं कितनी बार तुम लोगों से कहूँ, समझ में नहीं आता। उम्र तो मेरी है, मेरी मर्जी। और एक तरफ कहते हो कि परिवार का सपोर्ट जिसे होता है वो कभी नहीं हारता, उसे कुछ नहीं होता। हाँ, मेरे साथ भी परिवार का सपोर्ट है, मेरे साथ पूरा परिवार का सपोर्ट है। मेरे यूट्यूबर का, जितने यूट्यूब पे मेरा परिवार है उनका सपोर्ट है, मेरे खुद के परिवार का सपोर्ट है, मेरे साथ पूरी जो मैं हूँ उसका सपोर्ट है। मैं बताऊंगी, अभी बताऊंगी। और जो कह रहे हो ना, ये लटक रहा है, ये लटक रहा, अरे उम्र में मैं खुश नसीब हूँ, मेरी इतनी उम्र आई, मैंने अपने बच्चे देखे, बच्चों के बच्चे देख रहे हैं, खुश नसीब हूँ। वो लोग कैसे होते हैं जिन्हें आते हैं? बार बार मैं कह के समझ में नहीं आता, एक ही बात को कोई टॉपिक नहीं मिलता तुम्हें। अब सायरा जी के पास तो कोई टॉपिक मिल नहीं रहा तुम्हें, क्योंकि वो तो शांत बैठ गई है। अब इधर उधर के लोगों को पकड़ रहे हो। बात रही सायरा जी की साथ वीडियो बनाने की, वो तो मैं बनाऊंगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। और आई बात रही बात कि उल्टा सीधा बोलने की, एक बात कहती हूँ मैं तुमसे, तुम जैसे आदमी मर्द 22 साल की उम्र से बच्चे अकेले पाल रही हूँ, तुम जैसों का सामना करती आई हूँ, डरती नहीं हूँ। अगर एड्रेस डाल, वीडियो में एड्रेस डाल, और मैं कहती हूँ कि देख, मैं बताती हूँ, मैं यहाँ से कंप्लेंट करती हूँ, देख क्या होता है। उल्टा सीधा बोलना लेडीज के लिए है? क्या इज्जत करते हो तुम अपनी माँ बहनों की, अपनी माँ, घर में माँ की, अपनी माँ बहन की, सब एक बार एक नज़र से देखो, सबको अपनी माँ की नज़र से, बहन की नज़र से देखो, कितनी इज्जत मिलेगी। जो औरत की इज्जत नहीं कर सकता वो कुछ नहीं कर सकता है। इस तरीके से बोल रहे हो आप, क्या होता है इस तरीके से बोलना? मैं कह रही हूँ, मैं देखूंगी, डालिए अपना, तुम जैसे आदमियों का ना, मैं अच्छे तरीके से ठिकाने, दिमाग ठिकाने लगाने जानती हूँ। मैं वीडियो सेव करती चली जा रही हूँ। जो वीडियो ज्यादा ओवर है बोलने में, उल्टा सीधा गलत बोल रहे हैं, वो वीडियो मैं सेव करती हुई जा रही हूँ, किसी की भी हो। और मैं एकदम से एक्शन लूंगी, और लूंगी मैं एक्शन, मैं डरती नहीं हूँ। मैंने अकेले अकेले रही हूँ, और मैं इन जैसे आदमियों का सामना करती हुई आई हूँ, इन्हें अच्छी तरह, और अच्छे अच्छे लोगों को मैंने सबक सिखा दिया है। जो मोहल्ले के एक दादा होते थे, दादा बन के बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने सबक सिखा दिया है। डरती नहीं हूँ, डाल एड्रेस, अपना एड्रेस डाल, मैं यहाँ से करती हूँ। मैंने वीडियो सेव कर ली है जिसमें उल्टी सीधी गालियाँ दी हैं उस वो वाली। तो मैं यही कहूँगी, मैं कहूँगी बस यही कहूँगी, कोई नहीं है, वीडियो बनाओ, सब बनाओ, अपना कंटेंट दो। बात रही मेरे कंटेंट की, मैं दे रही हूँ, मेरा पिछला वीडियो उठा के देखो। मैं एक सायरा सतानी जी नहीं, एक मुसलमान लेडीज़ की बात नहीं है। अगर हिंदू लेडीज़ कोई ऐसी होगी, उसके पीछे सारा झुंड पड़ा होगा, मैं बोलूँगी उसने क्या किया क्या नहीं किया, इससे कोई मतलब नहीं है। किसके बाप के साथ वो रहा, किसके बाप को उसने बर्बाद किया, तो उसका बाप भी उसके साथ गया होगा। वो अकेले हाथ पकड़ के औरत जबरदस्ती खींच के नहीं ले जाती। कुछ मर्द बाहर खुशियाँ तलाश करते हैं, उन्हें बाहर खुशियाँ नहीं मिलती, वो हमेशा धोखा ही उठाते हैं, परेशान ही रहते हैं। अरे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की वजह से पूरी ज़िंदगी एक गलत इंसान के साथ काट देते हैं। क्यों? वो एक अच्छा इंसान होता है, पता नहीं काहे की, समझ में नहीं आता। बात रही माफ़ी की, माफ़ी मंगवाओ ना, माफ़ी मंगवाओ, हाथ जुड़वाओ, पैर छुआओ, कुछ भी कराओ, हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से। दूसरों को बीच में मत लो, दूसरे क्या कह रहे हैं किसी को कहने दो, कह रहे हैं तो हमें भी तो कह रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? जब कोई इंसान आगे बढ़ता है ना, उसकी टांग खींचने वाले पीछे बहुत लोग होते हैं। और भाई आपने तो सेलिब्रिटी बना दिया सायरा सत्तानी जी को, ताली बजाती हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने सेलिब्रिटी बना दिया सायरा सत्तानी जी को। सायरा सत्तानी जी इतनी फेमस कहाँ थी, कहीं भी सर्च करो तुरंत निकल के आ रही हैं इस टाइम, क्योंकि वो फेमस हो गई और आप लोगों ने उन्हें फेमस कर दिया। इस बात की मुझे खुशी है, आप लोग हम ही लोग किसी को आगे बढ़ाते हैं, और आप लोग हम ही लोग किसी को पीछे खींचते हैं। और जब कोई आदमी आगे बढ़ता है ना, ऊंचाइयाँ छूता है, तो उसके दुश्मन बहुत हो जाते हैं। ये तो एक फैक्ट है, होने दो दुश्मन,
जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। समझ में आ गई? तो मैं यही कहूंगी बस कि आप किसी को बोलें तो ढंग से बोलें, तमीज से बोलें, गाली देके किसी गैर औरत को आप नहीं बोलेंगे। वीडियो मेरे पास सेव है, मैंने वीडियो सेव करती आ रही हूँ। मैं गई हुई थी बाहर, बना नहीं पाई वीडियो। बेटी का थोड़ा सा घर दिखाया, एक साइड का डिब्बे जैसा घर है। अरे ऐसे डिब्बे भी नहीं है लोगों के पास, 3 BHK का फ्लैट है। अगर आप 3 BHK के फ्लैट को डिब्बे कहते हैं ना, तो डिब्बे भी नहीं है लोगों के पास, तो सड़कों पे पड़े हैं। कम से कम डिब्बा तो है उसके पास। हम हैं, हम सेटिस्फाई हैं, हमारे पास अपनी छत तो है। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास छत नहीं है, सड़कों पे पड़े हैं। उन्हें देख के हमें बहुत सेटिस्फाई सर्टिफिकेशन मिलता है। ये सर्टिफिकेशन मिलता है कि कम से कम लोगों के पास छत भी नहीं है, हमारे पास छत तो है। सड़कों पे पड़े हुए रात को फुटपाथ पे सोते हैं, उन लोगों को देख के हमें सर्टिफिकेशन मिलता है। हम ऊंचाइयों को नहीं देखते। अगर हम ऊंचाइयों को देखेंगे हमें सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, हमें दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। ऊंचाइयों को देखेगा तो आदमी को कभी सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। मैं बाहर गई हुई थी, सॉरी मैं वीडियो नहीं बना पाई। बाहर जाके देखो, मुझसे नहीं होता इस तरीके से, है ना। और फिर दूसरी बात, बात रही सायरा सत्तानी जी के लिए वीडियो बनाने की, तो वीडियो तो मैं बनाऊंगी सायरा सत्तानी जी के लिए। और अगर कोई और औरत भी होगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं उसकी और उसके पीछे इस तरह से गैंग पड़ा हुआ होगा, गुच्छा बना के मैं उसकी सपोर्ट में उतरूंगी। मैं किसी के बाप से नहीं डरती, किसी के खां से नहीं डरती। हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, मेरी मिमिक बना के या मेरी ऐसी वीडियो बना के या वैसी वीडियो बना के आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे साथ सपोर्ट है फैमिली की और मेरे साथ उसकी है, क्योंकि मैं अपनी नज़र में गलत नहीं हूँ। जो प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ मैं उसके साथ हूँ। पास्ट में क्या हुआ मुझे इससे मतलब नहीं है। समझ गए? उनके हेटर्स के लिए कह रही हूँ मैं वीडियो सायरा सत्तानी जी के लिए जब तक बनाऊंगी जब तक लोग उनकी कंट्रोवर्सी करते रहेंगे। पिछले साल अभी 11 दिसंबर की शादी की है, तो पिछले साल मई में सास ससुर मर गए थे मेरी बेटी के। वहाँ गई थी मैं, उनकी बरसी थी तो मैं बरसी में गई थी। देखिए आदमी सुख में जाए ना जाए, दुख में जरूर जाए। जबकि पहली तारीख का उनके यहाँ भी बहुत बड़ा फंक्शन था, मैं उसमें नहीं जा पाई थी, लेकिन मैं बरसी में गई थी। वहाँ मैं वीडियो नहीं बना पाई, माहौल ऐसा नहीं था। तो ठीक है, मिलती हूँ मैं आपको एक अच्छी वीडियो के साथ। पसंद आए लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे सायरा सत्तानी जी के चाहने वालों तक पहुँचा दीजिएगा। ये काम आप ही कर सकते हैं। और देखिएगा मेरी दूसरी वीडियो, जो मेरा गाना पसंद करते हैं वो वीडियो भी मेरी वॉच कीजिएगा, वो वीडियो भी।